थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है और दर्शकों इस वक्त हम फर्स्ट रापुड़ी नाके थाने में स्थित है जहां पर प्रॉफिट मोहम्मद जिनकी शान में गुस्ताखी की गई है, रामगिरी महाराज जो महंत है जिन्होंने हजरत मोहम्मद प्रॉफिट के बारे में गलत टिप्पणी करके यहां पर मुसलमानों के जो प्रॉफिट है उनके बारे में उन्होंने गलत संदेशा दिया और उनकी बेइज्जती की, जिसके चलते यहां पर राबुड़ी के अंदर आप देखेंगे कि यहां प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर एक अमन अमान का एक ऐसा ज़राया है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी निस्बत में लोग जान निसार होने को तैयार है, लेकिन जिनके लिए यहाँ पर ये प्रोटेस्ट रखा गया है, यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उन्होंने जो प्रोटेस्ट को रखा है उनका असल मकसद क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे इस नेटवर्क को देखने के लिए कंटिन्यू आप जुड़े रहें। दूसरी चीज है की मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये मुतालबा है मेरा क्या ये हम लोग प्रोटेस्ट करके आधे एक घंटे में जो बैठ जाते हैं खाना के सो जाते बाद में कोई फॉलोअप नहीं लेता, तो इतनी मोहब्बत हमारी जिंदा रहती सोड़े के जूस की तरह। तो अभी ये नहीं है, अभी मामला इनका एक कायदा आ गया जिसको 302 NPS बोलते हैं, इसके अंदर एक साल का पनिशमेंट है जिसके हम मतलब अभी कायदा है, अभी इसको मुखालिफत बोले या न्यूट्रल बोले, तो अगर ये कायदे में अगर पनिशमेंट कड़क होती जैसे 10 साल 15 साल की पनिशमेंट होती तो इसके अंदर कोई भी ये साले जो ढोंगी आते हैं तो ये ढोंगी फिर सुधा की फिर गुस्ताखी नहीं करते। दूसरी चीज़ है कि समझना पड़ेगा कि हर इलेक्शन के कुछ महीने पहले ये ऐसे जिनके नाम नहीं होते, ये कौन से बाबा वाबा परम पूज्य है क्या ये कौन महेंद्र मालूम नहीं, लेकिन ये एक स्टेटमेंट से बहुत पावर में आ जाते क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इनके लिए चिल्ला देते, बजाय हम चिल्लाने के इन पर कार्रवाई करें, पहले हम इन पर चिल्लाने के, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता उसको बढ़ावा दे, पुजारी का पूरा नाम मालूम है मेरे गाँव साइड का है, 3 FIR श्रीरामपुर यवला श्रीरामपुर वैजापुर 3 FIR उधर हुई है, कल एक मुमरा की हुई है। बात कर रहा हूँ मैं मुफ्ती सलमान की बात कर रहा हूँ, तो मेरे भाई मैं पहले भी आ रहा हूँ, मैं पूरा स्टेटमेंट खत्म नहीं हो रहा। तो अब ये जो मामला थे लोग जो रखे हुए कई एफआईआर का, भाई उधर हो गया इधर हो गया उधर हो गया, भाई राबुड़ी में भी हम एक अच्छे इसमें है, हम भी राबुड़ी के पसंद है रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं, तो भाई हमारा भी धार्मिक सेंटिमेंट को ठेस पहुँचा है, अब हमारे दिल के छाले हम फोड़ेंगे किधर, तो भाई हमारे को तुम हमारे एक एफआईआर ले लो, बाद में इसको लेकर सेशन हाईकोर्ट जो चढ़ना है फिर फॉलोअप हम करेंगे, तो हमारी मांग है। दूसरी चीज़ ये है कि भैया एक चीज़ हो जाती है कि कायदा मतलब मुफ्ती सलमान अजहरी सिर्फ एक शेर मार देता है कि आप कुत्तों का दौर जाएगा हमारा दौर आएगा, तो मुफ्ती सलमान अजहरी को आशा फासा कौन से एक्ट में डाल गया, साल भर से तुम छोड़ नहीं रहे, ये इतनी बड़ी बात हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कर रहा है जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है देश के संविधान के अंतर्गत रहते हुए हम डिमांड कर सकते हैं, प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है और सारी कोर्टों को चढ़ के उसको सजा देना हमारा काम है, और हमारे को मालूम है अगर CM ये बोलता है कि मैं उसके बाल को धक्का नहीं लगने दूंगा तो CM साहब को मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ, CM साहब आप आलम पना झापना नहीं है, शाही नहीं है, लोकशाही है, लोकतांत्रिक देश है, इलिगेशन मैं आप पे भी करूंगा कि इस तरह का स्टेटमेंट देने वाला जो ढोंगी पुजारी आप उसकी तारीफ कर रहे आप उसका सपोर्ट कर रहे, मतलब आप CM किसके सिर्फ एक कम्युनिटी के है क्या कि हम मुसलमान आदिवासी पिछड़ा दलित के इनके भी है, ये आपको स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, और मैं इतना बड़ा लीडर नहीं कि मैं जाके असेंबली और पार्लियामेंट में करूं, तो ये सवाल के जवाब जो हमारे जो बहते हैं ना प्रतिनिधि जाकर के जो नवाब मलिक हो गया जो फिर नसीम खान हो गया या हसन मुशरिफ हो गया या फिर नजीमुल्ला हो गया, ये हमारे जितने प्रतिनिधि ने सवाल करना इनसे, आज ये विरोधी पक्ष मजबूत विरोधी पक्ष है ना पार्लियामेंट में, तो सवाल करने की जवाबदारी इनकी है कि आप ये करो, और ये जो बिल लाते हैं आप पहला 295 का था वो भी टेबल जामीन थी, अब ये जो NPS 302 है लगेगा कि 302 अरे बड़ा नहीं है बहुत छोटा कलम है NPS का, इसमें एक साल की सजा इसमें होती है, समझ रहे बात को, और अभी तक का 3 FIR के बाद में जो है पंडित अरेस्ट नहीं है, जबकि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को लेने के लिए प्लेन से वो नोटिस आया गुजरात से वो लेके गया, तो हमारे लिए कायदा अलग क्यों, जब कानून सबके लिए गया तो हमारे लिए छत्रे जो है लेके संविधान की कदर करते, अभी तक संविधान है एकनाथ शिंदे साहब CM साहब आप ये ना समझे कि संविधान गया और कोई दूसरी किताब पे देश चलेगा, ऐसा नहीं है, संविधान कल भी था आज भी रहेगा, और इसी संविधान के साथ हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कांधे को कांधा मिला के देखो शोर शराबा ये सब अपराध अपनी करने से कुछ नहीं होता, इतने हजारों लोगों की जरूरत भी नहीं है, 10 लोग चले अच्छे से कोर्ट की पायरी छोड़े जो इनको सबक सिखा सकते अपन, ये ठीक है कि ये हम लोग की
भाई तकलीफ हुई हमारे को, हमारे धार्मिक सेंटिमेंटल को ठेस पहुंची बोल के हम यहाँ पर है, तो अब यहाँ पर है तो एक मुत्तफिक राय हम यहाँ पर बनाने के लिए इज्तिमाई तौर पे कि हम जो है क्या इस जब तक का ये अंत तक नहीं हो जाता इसी केस में, तब तक हम एफआईआर लेकर के कोर्ट को चढ़ते रहेंगे और इसको अगर कड़ी पनिशमेंट नहीं हुई तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम इससे भी बड़ा आंदोलन करने की ताकत रखेंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ भाई, क्या मेरा थोड़ा सा ये है क्या कुछ जिम्मेदार जो है अपने में से 10 से 12 लोग 15 लोग हम पॉलिटिशियन को जाते वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते क्योंकि हमको आगे भी काम करना है। शुरू होते ही खत्म हुआ हमारा हर मामला, कोई भी प्रोटेस्ट तारीख उठा करके देखो किसी प्रोटेस्ट ने आज तक का ये ढोंगियों को कोर्ट तक नहीं घसीटा है। इसकी वाइज वजह ये नहीं कि हमारे छोटे से समझे बात को हम यहाँ भी करते तो हो जाते बदनाम, ये कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होती मेरे भाई, तो सहमति से काम लो। सामने भी एक डेलीगेशन पूरे मस्जिद वालों का पॉलिटिशियन को जाने वाला है, अभी भी हमारे जो लेटर है अभी भी हम सबमिट करते हैं, हमारी एफआईआर नहीं होती तो इंशाल्लाह इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे अपन, इससे बड़ा करेंगे जुम्मा के दिन करेंगे, फिर कोर्ट रोकता हम देखेंगे। एफआईआर करना मकसद है ना, इंशाल्लाह कर लेते हम लोगों, और जो जिम्मेदार लोग है वो चले साथ में 10-15-20 लोग चल के उधर पे नोंदी करा देवे अपनी इसकी, और शाम में इत्तेहाद कमेटी वाले सब जाएंगे मिलके सारे मसले के उलमा सब जाके इंशाल्लाह एफआईआर ले लेंगे। हमारे को जो है काम आगे करना है, ऐसे लोगों को सबक दिलाना है, ये इलेक्शन का दौर है, ये मत समझो कि ये आज खत्म होगा, इसके जैसे और ढोंगी लाइन में तैयार होंगे। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में और किसी बुजुर्गाने दिन के शान में जो पहले से होते आए, इसका वाहिद वजह ये हुआ कि इनका जो कलम है वो पनिशमेंट के लिए सक्षम नहीं है, वो जो है वो कड़ी पनिशमेंट नहीं करता, इसलिए बेतुके बयान देते हैं। तो हमारी सरकार से और कोर्ट से न्यायपालिका से यह हमारी विनती है कि संविधान के अंतर्गत आप ऐसी पनिशमेंट तैयार करें कि आगे से ये चीजों को कुछ सोचे, सियासत करने के लिए और भी मुद्दे इनके पास, लेकिन विकास इनके पास है नहीं, मुसलमान इनके लिए टीआरपी का जरिया है, कुछ भी मामला उठाओ मुसलमानों पे हर महीने 2 महीने, कभी कोल्हापुर का मामला लेंगे कभी किधर का मामला लेंगे, आज बांग्लादेश में हसीना भाग के आई है उसका प्रॉब्लम है, हमारा थोड़ी सारे मुसलमान हिंदू मंदिरों की और गुरुद्वारे की हिफाजत कर रहे हैं, पूरा डेटा आ रहा है, कोई मुसलमान वहाँ पर तकलीफ नहीं दे रहा किसी को, वो उनकी एक अंतर्गत राइट है, वो एचएम नहीं है, वो हिंदू मुसलमान राइट नहीं है, लेकिन यहाँ की गोदी मीडिया उसको इस तरह से बताती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया भी हकीकत बता रही है, तो बांग्लादेश में जो हो गया बांग्लादेश में रुकते हो, काहे को तुमने हसीना से इतनी मोहब्बत है उसको दिल्ली में डाके रखे, फेंको ना उनको देश में, क्या लेना देना हमको, पाकिस्तान को हम हमारे जूते के नोक पे मारते फाटे पे मारते हम बांग्लादेश और पाकिस्तान को, कोई लेना देना नहीं, इस जमीन के बासिंदे अल्हम्दुलिल्लाह इस जमीन के लिए आवाज उठाते रहेंगे, संविधान के अंतर्गत चलते रहेंगे, संविधान के अंतर्गत चलते रहेंगे। दर्शकों ये जो पूरा मॉप है जो प्रोटेस्ट कर रहा है हुजूर प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की खातिर जो लोगों ने ये अहद किया है कि इन्हें इंसाफ चाहिए, और महंत राम गिरी महाराज उन्हें अरेस्ट किया जाए और उनके खिलाफ राबड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर मेमोरेंडम दिया जा रहा है देने के लिए, ये लोग सब एकत्रित हुए हैं और ये वहाँ पहुँच रहे हैं राबड़ी पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर ये लोग इंसाफ चाहते हैं कि इनके हक में फैसला। तो आप इस नेटवर्क को देखने के लिए कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहे। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन
दर्शकों आप देख सकते हैं ये तमाम भी लोगों का एक हुजूम जो यहाँ से राबोड़ी फर्स्ट नाके राबोड़ी से होते हुए ये सब जा रहे हैं राबोड़ी पुलिस स्टेशन एक प्रोटेस्ट के जरिए। और इनका जो मंशा है वो रामगिरी महाराज के खिलाफ प्रोटेस्ट की जा रही है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम प्रोफेट मोहम्मद के लिए किस तरीके से बेअदबी और बेहुरमती की है उनके खिलाफ में ये प्रोटेस्ट रखा गया और किस तरीके से यहाँ पर लोग एहतजाज कर रहे हैं आप देख सकते हैं और पुलिस दल भी यहाँ पर साथ ही तैनात है आप देख सकते हैं और साथ ही यहाँ की जो अवाम है जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको आहत किया गया है रामगिरी महाराज के ज़रिए और उन्हें जो बात ठनी है उस पर ये क्या कुछ मेमोरेंडम देंगे राबोड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर। आप हमारे इस नेटवर्क को देखने के लिए कंटिन्यू आप जुड़े रहें। दर्शकों ये नज़दीक आ गए हैं सब प्रोटेस्ट करता राबोड़ी पुलिस स्टेशन से करीब में अब देख सकते हैं। मंदिर लोक करतात दादा पण कुठलाही इलेक्शन आल्यानंतर मुसलमानाला या लोकांनी मंदिरचा घंटा समजून ठेवलं कधी पण एम्पल लागून तर असं आमचा मान आम्हाला वाटतं। आता विशालगडचा वर्ष झाला तिकडे गेली मदत गेली आम्ही सर्व काय आम्ही कुटुंब प्रत्येक जे काय आग लागते तिकडे पाणी टाकायचंच काम करतो मॅडम आम्ही कधी पेट्रोल टाकायचं काम करत होते त्याच्यात पण आज आम्हाला एकदम दुःख करते पंडितनी काय बोललं ते त्याच्या जागेवर तरी आम्हाला एक असं वाटलं का ते सीएम एकनाथ शिंदे साहेब आमच्या ठाण्याचे आहे ते आम्हाला असं वाटत होतं की सर्व जाती सर्व धर्म पक्ष आहे आणि एक जातीचे नव्हे सर्वांचेच आहे पण त्यांनी पण असं आरोपीचं असं स्टेजवर सपोर्ट करून हे केलेलं आहे का कोणी केसाला धक्का तर आम्हाला बोलावं लागतं का ते जे आहे म्हणजे स्वतःच्या पॉलिटिक्सला ते चांगलं चालवण्यासाठी ते काहीतरी नफरती चिंटू लोकांना ते लोक हे आनंद भेटते त्यांना ते असं मॅडम आम्हाला माझं पूर्ण स्टेटमेंट होत्या मॅडम दोन मिनिटं बाकी राहिले मला दोन मिनिटं बोलू द्या मॅडम मला मीच बघतोय मी बोलतोय मॅडम का मला जे आहे ते काय मला बाबासाहेब आंबेडकरचा मॅडम आज संविधान आहे मी पोलिसांचा नाही बोलत मॅडम अजिबात नाही माझं स्टेटमेंट रेकॉर्ड करा एकही शब्द मी आजपर्यंत
कधी संविधानचे उलट पोलिसांचे उलट म्हटलेलं नाही. कारण माझ्या जे पक्षाने माझी जे तरबियत आहे, मला जे लहानपणापासून संस्कार दिलेले आहेत ते असे आहे मॅडम का जे आपला मजबूत पिल्लर कुठला देशाचा ते तर बाबासाहेबांचं संविधान आहे. त्यांचे अंतर्गत मध्ये राजकीय हे लोक वेडम वेळ मॅडम हे लोक वेडम कायदेशीर माझं हेच नम्र विनंती आहे का मला जे आहे मला जे आहे माझं एकच विनंती आहे आपल्याला कळकळीची विनंती आहे की आपण कायदेशीर कारवाईसाठी एकत्र आलेलो आहोत आणि 100% कायदेशीर कारवाई केली जाईल त्याच्यामध्ये कोणतं दुखत नाही. मॅडम मॅडम आज तुम्ही जे कारवाई केलं तर आम्हाला असं वाटायला लागतं का मला जे संविधान मध्ये जे पनिशमेंट त्यांच्यासाठी आहे ते आज 295 ला मॅडम ते होता आता ते NSB काहीतरी 302 केले आहे ते एक वर्ष ते ज्याच्यामध्ये आहे. मॅडम हे लोक काय करतात का वारंवार काहीतरी तुमचे विकासाचे मुद्दे सोडून एकच आता आता तुम्ही तुमचा धन संसार चालू आहे तिकडे तुमचे लोक बसले तुम्ही बोला ते म्हणजे महाराजला आम्ही पण वैजापूर मध्ये भेटलो आम्हाला वाटलं चांगले असेल इलेक्शनच्या अगोदर आम्हाला नाही मात्र स्वतः माझे खासदार इत्यादी भेटले होते आम्ही भेटलो पण असं नाही पण हे डायरेक्टली यूटर्न मारून का मोहम्मद पैगंबरचा चरित्र असा होता तसा होता आपण तू धर्म संस्था तू इस्तेमा नाही करत तू धर्म संस्था चालू होतो तुझं तिकडे तू पूजे धर्मांच्या लोकांना बोल आमचे बरेच इस्तेमा झालेले साहेब आता पण आमचा एक रिपोर्टिंग उचलून बघा कुठे आम्ही कोणच्या कुठल्या धर्माबद्दल आम्ही बोलतो का पण वरम भैया आम्हाला का त्रास देत आहे लोक आणि आमच्या प्रॉपर मोहम्मद यांनी आम्हाला एवढं चांगलं तरबियत दिलेली आहे एवढी चांगली ट्रेनिंग जेवायची जीवायची पण आणि मरायची पण तर त्यांच्या बाबतीतच हे लोक बोलतात आमची मग आयुष्याबद्दल हे लोक बोलतात अहो आम्ही कधी का रामबद्दल बोललो का श्रीकृष्णाबद्दल बोललो आम्ही बोलतच नाही आमची तरबियतच नाही पण आमची नम्र विनंती आहे का साहेब हे करा आणि सीएम साहेब जे बोललेले आहे का केसाला धक्का तर मला सीएम साहेब जास्त पेक्षा भरतो मला न्यायपालिकेवर आहे पोलिसांवर आहे का त्याच्यावर हे कारवाई तुम्ही करणार नक्की करणार आहे हेच निवेदन इकडे आलेलं आहे आणि आज निवेदन देऊन आमची FIR तुम्ही घ्या आम्ही मग ते घेऊन आम्ही आमच्या पोर्टलला बघतो मग नंतर काहीच विषय नाही मग काय पनिशमेंट आम्ही कोर्टा मार्ग बघतो त्यांना पोलीस स्टेशन मध्ये एवढा क्राउड झाला होता स्वतः आमच्या मुक्ती सलमान हजारीने अनाउन्समेंट केला का भेट आता तुम्हाला याने को तयार आहे मेरे को कायदा पे भरोसा मध्ये जातो त्याचवेळी ते घाटकोपर पोलिसन वरून ते डायरेक्ट ते गुजरातला गेले आणि आतापर्यंत त्यांना ते शिक्षेमध्ये ठेवलेला कुठले कुठले ऐकले माहिती नाही फक्त एक शेर बोलला होता असं कोणाचे धर्मविरुद्ध पण नाही बोलला होता तर आम्हाला कसं असं वाटतं की कानून दोन आहेत मुसलमानसाठी वेगळा हिंदूंसाठी वेगळं तर नाही साहेब एकच आहे ना असं एकच आहे पण गेल्या वर्षापासून तुम्ही ते हात ठेवून एवढं तुम्ही भारतीय नागरिकांना इंडिव्हिज्युअल इंडिव्हिज्युअल पोलिसांबरोबर माझं कसं कनेक्शन आहे साहेबांना माहिती आहे तरी पण जर माझे हे धर्मगुरु माझे प्रॉपर्ट मोहम्मद वर सर्व येणार आणि संध्याकाळी मस्जिद सर्व डेलिगेशन येणार आहे त्यावेळेस हे करून मॅडम ती वैजापूर झाली एक मिनिट वैजापूर झाली Thank you.
हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।